हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होमवर्क कॉर्नर। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड हेल्दी। आज हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, ये पार्ट टू है। सो आज की जो वर्कशीट है इसमें मैंने सारे जो वर्ड प्रॉब्लम होती है स्टेटमेंट वाले वो वाले क्वेश्चंस लिए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। सीपी मतलब होता है हमारा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है कि किसी भी जो वस्तु है उसको हम जिस भी प्राइस पर खरीद कर लाते हैं वो हमारी कॉस्ट प्राइस होती है। सपोज करिए कि मैं एक दुकानदार हूँ, एक शॉपकीपर हूँ और मैं किसी एक बुक ही मैं लेकर आई हूँ 165 की, तो वो उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। लेकिन ठीक है, उस बुक को मैं 200 में सेल कर देती हूँ, बेच देती हूँ, तो वो उसका हो गया एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। ठीक है, क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। मैंने कहा था लेट जो बुक मैंने खरीदी थी वो थी 150 की और मैंने उसको सेल कर दिया 200 में। ठीक है, यानी कि मैं एक शॉपकीपर हूं, मैंने बुक को 150 में खरीदा लेकिन जब मेरे पास कोई ग्राहक आया, कस्टमर आया, मैंने उसको 200 में वो सेल कर दी। ना मुझे प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ कैसे पता चलेगा? इफ एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, अगर मेरा सेलिंग प्राइस ज्यादा है किससे, कॉस्ट प्राइस से, देन देर इज अ प्रॉफिट, देर इज प्रॉफिट। ठीक है, तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। कैसे निकालेंगे? पी स्टैंड फॉर प्रॉफिट, एसपी माइनस सीपी। सो यहां पे मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है? 200 माइनस 150, सो ये हो गया हमारा 50 रुपए का जो है मुझे प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, एंड इफ सीपी हायर देन एसपी यानी कि कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, अगर इस बुक को मैं 150 में मतलब मैंने खरीदी और लेकिन जब कस्टमर आया उसको मैं 140 में या 130 में उसको सेल कर देती, सो मुझे क्या हो जाता? लॉस, क्योंकि जितने में मैंने खरीदी उससे कम में मैं उसको सेल कर रही हूं, तो क्या होता? लॉस होता। सो देर इज लॉस। ठीक है, सो कैसे निकालते लॉस? कैसे निकलता? सीपी माइनस एसपी। ठीक है, तो लॉस कैसे निकलता? सीपी माइनस एसपी। ठीक है, समझ में आ गया आपको यहां पे? ओके, अब देखिए क्वेश्चन। अ बुक इज बोट फॉर 165, जो बुक है उसको हमने कितने में खरीदा? 165 में, एंड सोल्ड बाय इनकरिंग अ लॉस ऑफ₹50। देखिए, अब बुक को खरीदा मतलब उसका सेलिंग सॉरी कॉस्ट प्राइस हो गया सीपी ऑफ बुक। यहाँ पे स्टेटमेंट बनाना वेरी इजी, आपको सिर्फ सीपी लिखना है, एसपी लिखना है और जिसका भी आपने खरीदा, जैसे बुक का सीपी है तो बुक का कर दीजिए, किसी और आइटम का है तो वो लिख दीजिए। तो सीपी ऑफ बुक ₹165। अब वो कह रहा है कि उसने 15 रुपए के लॉस में उसको सेल कर दिया, फाइंड द सेलिंग प्राइस। अब देखिए यहाँ पे लॉस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? लॉस है ₹15 का और हमसे पूछा है कि सेलिंग प्राइस बताओ यानी कि सीपी बताओ। कैसे निकालेंगे? देखिए उसका सीपी यानी कि उसने कितने रुपए में उसको सेल किया। अब देखिए यहां पे 165 उसका कॉस्ट प्राइस था, सॉरी एक लाइन मुझे और लिखनी थी यहां पे। पहले हम यहां पे लिखेंगे सीपी माइनस लॉस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस उसका 165 था लेकिन 15 रुपए लॉस खाने के बाद उसने उसको सेल किया है, सो ये आ जाएगा ₹150। यानी कि उसका सेलिंग प्राइस 150 था, उसने मतलब 165 की उसने खरीदी और 150 में बेची, इसका मतलब उसको 15 रुपए का लॉस हुआ। यही ऊपर लिखा हुआ कि उसने 15 रुपए का जो लॉस भुगतते हुए इनकरिंग मतलब भुगतते हुए उसने उसको सेल कर दिया, तो उसका सेलिंग प्राइस था ₹150। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन बायस ग्रीटिंग कार्ड एट ₹850 पर 100 कार्ड्स। अब देखिए यहां पे क्या है कि जो 100 कार्ड्स थे वो 850 रुपीज के आ गए, एंड सेल देन एट ₹136 फॉर 10। यहां पर उसने सेल किया यानी कि 10 इकट्ठे कार्ड को उसने 136 में सेल कर दिया, तो फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट। यहां पे क्या बताना है? गेन और लॉस परसेंट निकालना है। ठीक है, और आप जो है गेन और लॉस परसेंट कैसे निकालते हो वो मैं आपको इस क्वेश्चन में सिखाने वाली हूं। सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सीपी, उसका कॉस्ट प्राइस ऑफ कार्ड। देखिए अब जो कॉस्ट प्राइस है कार्ड का वो तो है 850 है क्योंकि उसने 100 कार्ड जो है वो 850 में खरीदे हैं। अब इसका सीपी क्या होगा? सीपी ऑफ कार्ड। देखिए यहां पे जो सीपी है वो
36 पर 10 कार्ड है, पर 10 कार्ड्स है, लेकिन लेकिन हमें तो पूरे उसका बताना है कि उसको कितना लॉस और कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना गेन हुआ है, किसके ऊपर, 100 कार्ड्स के ऊपर बताना है, और ये तो 10 कार्ड की कॉस्ट है, तो बाकी 90 कार्ड की कॉस्ट कैसे निकालेंगे। देखिए 10 कार्ड की कॉस्ट है 136, यहां पे हम अपना यूनिटी मेथड यूज करेंगे, सो बाकी अदर 10 जो कार्ड्स है, मतलब कहने का जो अदर 90 कार्ड्स है, उनकी कॉस्ट कितनी होगी, ठीक है। सो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 10 टाइम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो कितना हो जाएगा हमारा 100। सो रुपीज 136 मल्टीप्लाई 10, सो ये हो गए, सो ये कितने हो गए, 1360, यानी कि 10 कार्ड 136 के थे, सो 100 कार्ड कितने के हो गए, 1360 के हो गए, ठीक है ना। अभी हमें क्या करना है, हमारी सीपी भी आ गया, हमारा एसपी भी आ गया, तो क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, क्या गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, ऑफकोर्स गेन हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, सीपी माइनस एसपी माइनस सीपी, सो ये हो जाएगा रुपीज 1360 माइनस रुपीज 850, और यहां पे आ जाएगा हमारा प्रॉफिट, ये हो गया हमारा प्रॉफिट। ये आपको समझ में आया कि कैसे हमने निकाला, वो कह रहा था कि जो 10 है वो कार्ड है 136 के, सो बाकी और कार्ड हम निकाल देंगे, ठीक है, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 1360। कंफ्यूज हो गई हूं मैं इसमें, ओके। अब हम निकालते हैं प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज। देखिए अभी हमें पता तो चल गया कि प्रॉफिट कितना हुआ, अब प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, जितने का प्रॉफिट हुआ है यानी कि 510 का मल्टीप्लाई 100, क्योंकि जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं, आपने परसेंटेज की वीडियो में पता सीखा भी होगा कि जब भी परसेंटेज निकाल रहा होता है 100 से मल्टीप्लाई कर दो। यहां पर क्या आता है, कॉस्ट प्राइस, ध्यान रखिए चाहे प्रॉफिट परसेंटेज हो या लॉस परसेंटेज हो, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही निकलता है। और अगर आप इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हो, मैंने यहां पे स्पेस कम था इसलिए नहीं लिखा, पहले क्या आता है प्रॉफिट, नीचे आता है कॉस्ट प्राइस, सीपी, यहां पे 100। अब आप इसको सोल्व कर दीजिए, 52 जा 51 जा 57 जा 35 एंड 73 जा 0, ये आ गया बच्चों 60%। क्या आ गया, 60%, यानी कि उन कार्ड्स पर उसको 60% का गेन हुआ है, ठीक है, कितना गेन हुआ है, 60% का गेन हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रजनी बोट आर ट्राई स्टिल फॉर हर डॉटर आध्या फॉर रुपीज 850। जो रजनी है उसने अपनी बेटी के लिए 850 रुपए में एक ट्राइस्टिल खरीदी है, द शॉपकीपर अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 125। जो शॉपकीपर था ना, उसने 125 रुपए का प्रॉफिट कमाया, एट व्हाट प्राइस द शॉपकीपर बाय इट, शॉपकीपर ने उसको कितने प्राइस में जो है सेल मतलब खरीदा था। तो देखिए जो रजनी है, ठीक है, उसकी बेटी आद्या, उसने उसको 850 में खरीदा है, ये रजनी के लिए तो क्या है, सीपी है, उसका कॉस्ट प्राइस है, लेकिन इस शॉपकीपर के लिए क्या है, ये एसपी है, सेलिंग प्राइस है, क्योंकि रजनी ने खरीदा है उसका तो कॉस्ट प्राइस हो गया, लेकिन सेल किसने किया है, शॉपकीपर ने, तो ये शॉपकीपर का क्या हो गया बच्चों, ये उसका सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है। तो पहले हम सेलिंग प्राइस लिखेंगे, जब हमें सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा तो उसमें से हम रुपीज 125 लेस कर देंगे, तो हमें उस शॉपकीपर का जो है सीपी पता चल जाएगा, उसको कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा, ठीक है। आई नो अभी समझ नहीं आएगा, चलिए इसको करते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। सो देखिए यहां पर जो है ना, आपको कंफ्यूज करने के लिए रजनी की मदर और आध्या उनका जो है इंट्रोड्यूस किया गया है, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि वो उनका सीपी है, लेकिन उस जो शॉपकीपर उसका सेलिंग प्राइस है, सो एसपी ऑफ प्राइस स्किल रुपीज 850, ठीक है, ये उसका सेलिंग प्राइस है, क्योंकि उन्होंने खरीदा है, लेकिन उस शॉपकीपर ने सेल तो इतने में किया है, और यहां पे प्रॉफिट कितना था, उसमें लिखा हुआ है कि उसको रुपीज 125 का प्रॉफिट हो गया। अब समझिए, अब ध्यान से समझिए कि उसका जो सीपी है कैसे निकालेंगे, उसका कॉस्ट प्राइस हम कैसे निकालेंगे। देखिए इतने में उसने सेल किया, इतना प्रॉफिट कमाया, तो उसने जाहिर सी बात है कम में खरीदा होगा ना, हमें सोचना होगा, अपना माइंड यूज करना होगा कि देखो अगर प्रॉफिट हो रहा है और उसने इतने में सेल किया तो इसका मतलब उसने कम में खरीदा होगा, तभी तो उसको प्रॉफिट हुआ है। सो यहां पे कम कब आएगा, तब हम इसको रिड्यूस कर देंगे, यानी कि अगर हम इसके सेलिंग प्राइस में से
इसका प्रॉफिट घटा दे तो हमें इसका कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा। चलिए रिड्यूस करते हैं 5 to 7, सो ये आ गया रुपीज 725। इसका मतलब उसने 725 में खरीदी थी और आध्या की मदर को ठीक है 850 में सेल की थी, सो उस तो सॉरी उसके बाद तभी उनको 125 का उसको शॉपकीपर को क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। समझ में आया? नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। फ्रूट वेंडर बोट 10 kg ऑफ मैंगोज फॉर ₹350। ठीक है, देखिए जो एक फ्रूट वेंडर था उसने 10 किलो मैंगो खरीदे कितने के 350 के, ही सोल्ड देम एट ₹42 पर केजी। अब देखो उसने 10 किलो खरीदे 350 में लेकिन वो सेल कर रहा है 42 पर केजी के हिसाब से, हाउ मच प्रॉफिट डिड ही मेक फॉर 1 kg मैंगोज। अब देखिए सीधा क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझिए, वो 1 kg मैंगो का प्रॉफिट पूछ रहा है तो हमें क्या करना होगा, वो सेल भी 1 kg के हिसाब से कर रहा है लेकिन खरीदा उसने 10 kg के हिसाब से, तो यहां पर हम 1 kg का क्या निकाल लेंगे, सीपी निकालेंगे, उसका कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे सीपी ऑफ 10 kg मैंगोज। अब 10 किलो मैंगोज का जो कॉस्ट प्राइस है वो है ₹350। नाउ सीपी ऑफ 1 kg मैंगो, 1 kg मैंगोज कैसे करेंगे, अगर 10 किलो 350 में तो 1 किलो कितने में होगा, डिवाइड कर देंगे यानी कि 350 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि ₹35, यानी कि उसने 1 किलो मैंगो ₹35 में खरीदे हैं। अब उसका सीपी कितना है, सीपी ऑफ मैंगोज 1 kg लिख लेते हैं, 1 kg मैंगो, अब मैंगोज नहीं लिखेंगे मैंगो लिखेंगे ठीक है, 1 kg मैंगो ₹42 ठीक है, 1 किलो 35 में खरीदा और सेल किया ₹42 में, सीधा सीधा क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है भाई, सो ₹42 - ₹35 का जो है उसको प्रॉफिट हो रहा है। सो देखिए क्वेश्चन कितना इजी और कितना छोटा था, बस हमें इसको समझने की जरूरत थी। यहां पे आपको इसी तरीके से कंफ्यूज करते हैं कि आपको ज्यादा का दे देते हैं और जब सेलिंग प्राइस आता है उसका कॉस्ट प्राइस आता है तो आपको कम का दे देते हैं, जैसे यहाँ पे 10 केजी की क्वांटिटी दी हुई थी ऐसे ही पोस्ट कार्ड में था लेकिन सेल कैसे कर रहा है पर केजी कर रहा है या पर 10, इस हिसाब से आपको देते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, बट हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें क्या करना है हमें स्टेटमेंट को ध्यान से समझना है। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मैं कोशिश करूंगी कि आपके लिए पार्ट 3 भी लेकर आऊं और वर्ड प्रॉब्लम लेकर आऊं। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ स्टे हेल्दी, बाय बाय।